सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इन इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑपरेशन एमबीबीएस के सीजन 2 के एंडिंग की, एंड जिस तरीके से शो को एंड किया गया भाई बहुत ही ज्यादा इमोशनल था वो, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके सीजन 3 के प्रेडिक्शंस की, आपको सीजन 3 कब तक देखने को मिल सकता है, एंड सीजन 2 के एंडिंग की। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है देन वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर सपोर्ट। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो बात करते हैं सीजन 2 के एंडिंग की। तो देखो सीजन 2 के एंडिंग से काफी सारे लोग सेटिस्फाइड थे, बट कुछ लोग जो थे वो बोर लिख रहे थे, बिकॉज ये शो जब स्ट्रीम हो रहा था तो उसमें लाइव चैट भी चल रही थी, तो मैं उसको भी देख रहा था कि किस तरीके का लाइक ऑडियंस का रिस्पांस आ रहा है। एंड आई थिंक जब मिड में पहुंच चुका था ना लास्ट एपिसोड, देन काफी सारे लोग इसको लाइक पसंद करना स्टार्ट कर दिए थे, बिकॉज वो सही में काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था, जहां पे आपको देखने को मिला था कि भाई डीन अब नहीं है, अब आपको नई डीन देखने को मिलेगी जब भी इसका सीजन 3 आएगा। तो देखो सीजन 2 लाइक हमें पता था कि इसमें इमोशनल एपिसोड तो एक आने वाला है, बिकॉज जिस तरीके की टोन हमें ट्रेलर में देखने को मिली थी, देन कोविड वाला जो सीन था, बिकॉज कोविड की अगर स्टोरी आपको एकदम अच्छे से इंपैक्टफुल दिखानी है, देन आपको कोई ना कोई ऐसा कैरेक्टर हटाना पड़ेगा जिससे आप इमोशनली अटैच हो गए। एंड डीन का कैरेक्टर कुछ उसी तरीके का था। सो जो सीजन 2 था वो तो भाई एंड तो काफी इमोशनल तरीके से हुआ था, बट सीजन 2 में काफी सारी स्टोरीज थी जिनको अभी कवर करना बाकी है, जो कि आपको सीजन 3 में देखने को मिल सकते हैं। अगर बात करते हैं भाई सीजन 3 के प्रेडिक्शन की, तो देखो यार आपको पता है अभी निशान की स्टोरी जो थी लव स्टोरी वो तो भी ढंग से स्टार्ट भी नहीं हुई है, देन हुमा की जो स्टोरी थी उसको भी ढंग से अभी तक कवर नहीं किया गया है। एंड उसके बाद आप केसी भाई को किस तरीके से भूल सकते हो? देखो केसी भाई का जो कैरेक्टर है वो एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको आप साइलेंट किलर बोल सकते हो, जिसकी बात तो ज्यादा कोई नहीं करता है, बट एट द एंड वही सबसे ज्यादा इंटरटेन भी करते हैं। एंड इसमें कुछ एक दो कैरेक्टर हैं जिनको भी आपको ढंग से एक्सप्लोर नहीं कराया गया। एंड जो डीन का कैरेक्टर था जिससे आप सीजन 1 से अटैच थे, वो तो भाई सीजन 2 में खत्म हो चुका है, तो आपको सीजन 3 में कोई नई डीन भी देखने को मिल सकती है, तो वो देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। एंड बात करते हैं सीजन 3 की, तो देखो इस सीरीज का सीजन 3 तो भाई कंफर्म है, बिकॉज जिस तरीके से सीजन 2 को एंड किया गया एंड जो रिस्पॉन्स सीजन 2 को मिला है वो काफी ज्यादा अच्छा था। एंड जब मैंने इनके ट्विटर पेज को भी चेक किया था, वहां पे भी लाइक जो डाइस मीडिया की टीम है वो लोग ये बता रहे थे कि ऑडियंस ने काफी ज्यादा सपोर्ट किया इस बार के सीजन को, एंड उसी की वजह से सीरीज का जो सीजन 3 है वो काफी हद तक कंफर्म नजर आता है। एंड जो सीजन 3 है मोस्ट प्रोबेबली आपको उसी मंथ के आसपास देखने को मिलेगा जिस मंथ आपको सीजन 2 देखने को मिला था। सो बाकी फ्यूचर में जो भी इंफॉर्मेशन होगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा, तो उसके लिए बस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और कुछ नहीं करना है। आपको सीजन 2 कैसा लगा उसको मेरे को नीचे कमेंट करके बता सकते हो, एंड आपका इस बार फेवरेट कैरेक्टर कौन था उसको भी आप मेरे को नीचे कमेंट करके बता सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।